एक रिसर्च हुई है दुनिया की सबसे बड़ी, जिसमें पिछले 50-60 साल से भी ज्यादा से टाइम से वो रिसर्च चल रही है, या तो हार्वर्ड में हुई है या ऑक्सफोर्ड में हुई है, हार्वर्ड में हुई है इफ आई एम नॉट रॉन्ग, हाँ ठीक है हार्वर्ड में हुई है। मतलब एक रिसर्च करी गई हजारों लोगों के ऊपर, उनकी लाइफ को ट्रैक किया गया जब वो स्कूल में थे तब से लेकर के जब वो 60-70 साल के, 80 साल के, 90 साल के हो गए तब तक, और ट्रैक किया गया कि कौन ज्यादा खुश है और कौन परेशान है। तो खुशी का जो कनेक्शन निकला, ऐसे बहुत लोग थे जो फाइनेंशियली बहुत सक्सेसफुल हो गए, बहुत अच्छी अच्छी पोजीशंस पे थे और दुखी थे, और उसमें से सिर्फ एक चीज निकल करके आई इतनी बड़ी रिसर्च में से, 60 साल के बाद में हजारों लोगों के ऊपर डेटा और रिसर्च और सबके दिमाग लगे हुए थे, और उसमें से क्या निकल करके आया, जिसके रिलेशंस अच्छे थे वो खुश थे, जिनके रिलेशंस बुरे थे वो दुखी थे। तो ना खुशी का कनेक्शन है हेल्थ से, हेल्थ का करोगे क्या, तभी पूछा है अपने आप से, हेल्दी होना, हेल्दी होना, दैट इज नॉट द गोल ऑफ लाइफ। टेररिस्ट को देख लो, सारे हेल्दी होते हैं, कोई भी आपको ऐसा नहीं मिलेगा कि गन उठाओ अरे कमर में दर्द हो गया। ये हमारे घर में देखने को मिलेगी ये सब चीजें, टेररिस्ट सारे फिट है बट क्या वो खुश है, बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है वहां पर। तो हेल्थ इज नॉट द गोल ऑफ लाइफ, यस इट इज पार्ट ऑफ लाइफ, इट इज नॉट द गोल ऑफ, मनी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बट दैट इज नॉट द गोल ऑफ लाइफ, that can't be the goal of life. If you want happiness in life, you need good relationship in life. There is no other way. And without happiness, what is life? आपको हजार साल की जिंदगी मिल जाए, बहुत बढ़िया फिट, और रोते रहो सुबह से रात तक, क्या करोगे ऐसी बॉडी, ऐसी लाइफ को करोगे क्या? और दूसरी तरफ से लाइफ मिले सिर्फ 10 साल की, लेकिन अंदर एक सेटिस्फैक्शन हो, खुशी हो, तो रिलेशनशिप को छोड़ो मत, ये हम बहुत बड़ी गलती करते हैं। इनफैक्ट अगर आपकी एक अच्छी रिलेशनशिप चल रही होगी तो वो बैकबोन हो गई आपकी, अब आप फाइनेंशियली भी जितना मर्जी ग्रो कर सकते हो, हेल्थ वाइज भी अपने आप ही आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी।